أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. كل نفس ذائقة الموت. हर इंसान को मौत चखनी है, हर इंसान को मौत का जायका चखना है, हर जान को मौत चखनी है, और तुम्हारे बदले तो कयामत ही को पूरे मिलेंगे। जो आग से बचा कर जन्नत में दाखिल किया गया वो ही अपनी मुराद को पहुंचेगा। कब्र में तीन सवाल होंगे। पहला सवाल मैये से करेंगे, मां रब का तेरा रब कौन है? पहला सवाल मैये से करेंगे, मां रब का तेरा रब कौन है? मुनकिर नकीर के सवालात में से दूसरा सवाल होगा, मां दीन का तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल कब्र में होगा, कब्र के इम्तिहान सवालात का तीसरा सवाल होगा, मा तकूलु फी हजर जल। ए बंदे, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानता है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, दोनों के रंग स्याह होंगे, दोनों की आंखें नीली होंगी, इनमें से एक मुनकिर और एक नकीर होगा। अगर मैये से इस्लाम की अलामत जाहिर हो रही होगी तो वो फरिश्ता सवाल करेगा जिसका नाम मुनकिर होगा। अगर काफिर की अलामत जाहिर हो रही होगी तो वो फरिश्ता सवाल करेगा जिसका नाम नकीर होगा। अल्लाह ताला इसको इस हाल में यानी रंग स्याह और आंखें नीली पे इसलिए भेजेगा ताकि इनमें दहशत और होलनाकी पाई जाए और इनको देखकर काफिर हैरान रह जाए और इनसे डरे। इस तरह काफिर को जवाब देने में मुश्किल होगी और मोमिन को सिर्फ आजमाइश होगी। अगर हम भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, झूठ बोलेंगे, सूद खाएंगे, यतीमों का माल खाएंगे, चोरी करेंगे, वो सब काम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है, तो कब्र में हमारे साथ ऐसा होगा। अगर झूठ बोलेंगे, आसमानों से आवाज देने वाला आवाज देगा, ये झूठा है, इसके आग का बिछोना बिछा दो और इसके लिए आग का लिबास बना दो। ये शख्स जो कह रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी समझ ना दी थी, तो इसमें ये झूठा है, इसके लिए आग का दरवाजा खोल दो, क़यामत तक ये इस अज़ाब में मुब्तला रहेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके कब्र तक आग की शदीद गर्मी और गर्म लू पहुंचेगी, यानी इस शख्स का सीधा रास्ता जहन्नम की आग से ताल्लुक होगा।
जहन्नुम से इसके कब्र तक एक दरवाजा खोल दिया जाएगा। क़यामत तक कब्र के इस अज़ाब में रहेगा कि कब्र में ही जहन्नुम की शदीद हरारत में पिघल रहा होगा, गर्म लू से इसका जिस्म जूझ रहा होगा। इस शख्स पर इसकी कब्र तंग की जाएगी, यहाँ तक के कब्र में इसकी फसलें मिल जाएंगी, यानी कब्र में इस तरह तंग की जाएंगी, दाएं पसली बाएं में और बाएं पसली दाएं में। तो मेरी बहनों, मदीने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनमाज़ी की कब्र में एक शख्स आएगा जो बहुत बदसूरत होगा, इसके कपड़े बहुत गंदे होंगे, इससे बदबू आ रही होगी। वो इसे कहेगा, आज तुम खुश हो जाओ, तुम्हें परेशान कुन अज़ाब मिलने वाला है, ये वो दिन है जिससे तुम्हें डराया जाता था। वो कहेगा, तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही बदसूरत है। वो कहेगा, मैं तुम्हारा बुरा अमल हूँ। कब्र वाला शख्स कहेगा, ए मेरे रब, क़यामत कभी ना आए जैसे ज़कात ना देने वाले का माल सांप की शक्ल में आएगा और इसके लिए अज़ाब बन जाएगा। अल्लाह पाक हमें इस अज़ाब से बचाए, आमीन। तो मेरी बहनों, सोचो जिंदगी कितनी कम हो गई और कब्र बिल्कुल करीब आ गई। दुआ करो अल्लाह पाक हमें ईमान के साथ उठाए, आखिरत के सारे मामलात आसान फरमाए। यूं इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी ने, ओ लोगों, कब्र की तैयारी करके आओ, ओ लोगों, कब्र की तैयारी करके आओ, अगर मैं तुम्हें कब्र का अजाब दिखा दूं तो तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दो। मेरी बहनों, तुम्हारे सामने कुरान है, तुम लोग कुरान सुनते भी हो, फिर भी आज तक तौबा की तौफीक ना हुई। इसलिए फरमाया मदीने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह फरमाता है, मेरे गज़ब से डरो, अल्लाह फरमाता है, मेरे गज़ब से डरो, मेरी जात बड़ी बेनियाज है, मैं जब तबाह करने पे आऊंगा तो बचाने वाला कोई ना होगा। ये चंद अफराद की बात नहीं, खानदान की बात नहीं, मैं तो मुल्कों के नाम निशान मिटा दूंगा। जिब्राइल अमीन ने छींक मारी, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد كل نفس ذائقة الموت हर इंसान को मौत चखनी है, हर इंसान को मौत का जायका चखना है।